हाय गाइस, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी फ़ोन का फोल्डर चेंज कैसे करते हैं, किसी भी फ़ोन का फोल्डर कैसे चेंज करते हैं बिल्कुल अच्छे से, प्रॉपरली तरीके से, कहीं से भी, मतलब ठीक से आप बैठा सकते हो उसको। पूरा बताएंगे आपको कि कोई भी फोल्डर ख़राब नहीं होगा, कैसे चेंज करें कि मतलब कोई फोल्डर ख़राब ना हो, अच्छे से बैठ जाए, कुछ भी दिक्कत ना हो। तो आइए हम इस पर बनाए हैं वीडियो आज कि मोबाइल का फोल्डर चेंज कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास है वीवो का Y95 मॉडल, ठीक 95, 93, 91 सेम मॉडल होते हैं, सबका फोल्डर सेम होता है। तो आज हम इसमें लगाएंगे फोल्डर। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इस फोल्डर को निकालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, साफ कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, ग्लू कैसे लगाते हैं, सब दिखाएंगे आपको हम। तो आइए हम लगाते हैं इसमें फोल्डर। हमने इस फ़ोन को रखा है खोल के ऑलरेडी, पहले से ढक्कन निकाल रखा है। सीधा इसके हम निकालेंगे बैटरी, इसको बैटरी को आपको जो कभी खोलना हो तो बस इसको पकड़ के स्टेप को पीछे करके आराम से बैटरी को खींच लीजिए, धीमे धीमे करके ये निकल आएगी, बड़े प्यार से निकल आएगी। आपके पास अगर ग्लू निकालने वाला ग्लू रिमूवर हो, कुछ भी हो, या पेट्रोल हो, तो आप उसको डाल करके साइड साइड से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा डाल लिया करिए, डालने से फ़ायदा ये होता है कि ये आपका फ्रेम जो है तोड़ेगा नहीं, ठीक। बाकी अगर आपके पास हीटिंग है, मशीन है, सेपरेटर मशीन, तो आप उसे भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि आप इसमें ग्लू रिमूवर थोड़ा सा डाल लीजिए ताकि वो निकल आए। ग्लू रिमूवर या तो पेट्रोल हो, कुछ भी आप डाल देंगे तो वो धीमे धीमे करके छोड़ देगा और निकल आएगा। ऐसा करने से आपका जो फोल्डर का क्रोम होता है, फ्रेम होता है, वो नहीं टूटता। कुछ कुछ फोल्डर बहुत तगड़े चपके होते हैं तो निकालने में दिक्कत होती है फोल्डर, हालांकि बहुत आराम से निकल आ रहा है क्योंकि चिपका कर लिए। ये देखिए, इसको मैं निकाल लिया, हालांकि डैमेज है, कोई मतलब नहीं इसका, इसको आप कैसे भी निकाल लीजिए, बस निकालते वक्त ध्यान दीजिए कि आपका क्रोम जो है फ्रेम वो टूटने ना पाए, ठीक। अब इस क्रोम को आपको साफ करना है तो अच्छे से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा कि साफ़ करते वक्त अगर आपने फ़ोन खोला है तो आपका कैमरा भी खुल जाता है, ठीक। तो आप साफ़ करते वक्त कैमरे को ढक लीजिए, कोई पन्नी वन्नी है बढ़िया साफ़ पन्नी, इसे नीचे रख करके तभी साफ़ करिए। कैमरे पे अगर डस्ट जम गया तो कैमरा ख़राब हो जाएगा आपका। क्योंकि फोल्डर चेंज करते वक्त कई लोगों का देखा गया है कैमरा गंदा हो जाता है, ठीक। तो गंदा होने का रीज़न यही है कि साफ़ करते वक्त फ़ोन कहीं भी रख दिया जाता है, तो फ़ोन का कैमरा गंदा ना होने पाए इसलिए आप उसके नीचे कुछ लगा लीजिए। जैसे हमने लगा लिया है, ये बबल वाली पन्नी आती है फोल्डर के साथ ही आती है, तो इसको आप इसके नीचे रख करके आराम से साफ़ करिए, आपका कैमरा गंदा नहीं होगा। बहुत ही प्यार से धीमे धीमे इसको साफ़ कर लीजिएगा, साफ़ हो जाएगा अच्छे से। ये आपका देखिए, जितना ये साफ़ रहेगा उतना ये फोल्डर अच्छे से प्रॉपर बैठ जाएगा। अगर यहाँ कचड़ा कहीं भी रह गया, ठीक, तो फोल्डर हल्का सा वहाँ पर उठा रहेगा और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, आपके हाथ का प्रेशर या तो फिर आप लगाने के बाद किसी को दे देंगे, अगर वो दबा दिया तो तुरंत टूट जाएगा फोल्डर। तो कोशिश रहे कि आप पूरा इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, खूब ग्लू कहीं भी बचने ना पाए। अगर आपको अच्छे से लगाना है फोल्डर तो बाकी तो लगाने वाले तो लगाते हैं हवा में, उनकी बात अलग है।
आपको पता नहीं है कि सर्विस सेंटर में इतना पैसा क्यों लिया जाता है। सर्विस सेंटर में भैया पैसा इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर फोल्डर लगाने के लिए वो लोग पूरा क्रोम चेंज करते हैं, ठीक, विथ क्रोम। तो वो लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं, सीधा पूरा फोल्डर विथ क्रोम आता है, विथ क्रेम रहता है, सीधा उठाया और उसको लगा दिया। विथ क्रोम चेंज कैसे करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी देख लीजिएगा विथ क्रोम कैसे चेंज करते हैं फोल्डर। हेलो गाइस, इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक, उसको हम साफ कर चुके हैं खूब अच्छे से। ध्यान रहे कहीं भी कचरा भी ना होने पाए, ठीक है। इतना खूब अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको आप, ये हमने इसको पूरा साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इस पर हम लगाएंगे फोल्डर, ठीक। ये हमारा है वीवो का फोल्डर, ठीक, ये वीवो का भैया ओरिजिनल फोल्डर है, ठीक है। देखिए आप कोई भी फोल्डर लगाइए, लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, हालांकि ओरिजिनल सर्विस सेंटर से आया ये, तो इसमें ये लगा हुआ है। लोकल फोल्डर में नहीं लगा रहता, किसी किसी में लगा रहता है, बात की बात है, लेकिन लगा हो या ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी फोल्डर, ठीक, लोकल हो या ओरिजिनल हो, कोई भी फोल्डर आप चेंज करने से पहले यहाँ पे, ठीक, आप इस पे यहाँ पर टेपिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टेपिंग लगी है पहले से, लेकिन ये टेपिंग ठीक नहीं है, हम इस टेपिंग को निकाल देते हैं। आप यहाँ पर टेपिंग कर लीजिए, ठीक, आप यहाँ पर खूब अच्छे से पूरा, मतलब आपका ये जो पट्टा है, ठीक, जो इसका फ्लैक्स है, ये पूरा पूरा आपका टेप से यहाँ से लेकर के लाइट तक का पूरा सेक्शन ढक जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप अच्छे से प्यार से दबा दीजिए अंदर की ओर। इसको ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब यहाँ ग्लू लगाएंगे नीचे के एरिया में, तो ये ग्लू अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, टेप की वजह से ये ग्लू बाहर बाहर ही रहेगा और आपका फोल्डर भी यहाँ पे चिपक जाएगा। अधिकतर फोल्डर यहीं से ख़राब होते हैं, मैक्सिमम फोल्डर आपके जो होते हैं वो निचले हिस्से से ही ख़राब होते हैं, क्योंकि यही एरिया जो होता है सबसे सेंसिटिव होता है, और जैसे ही ये दबता है, प्रेस होता है, कैसे भी, मतलब आपके दबाने से दबे या जेब में रखने से दबे या गिरने से दबे, कैसे भी ख़राब होता है, तो अधिकतर फोल्डर यहीं से ख़राब होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेपिंग ज़रूर कर लेनी है, टेपिंग सबसे मस्ट है। अगर आप टेपिंग करके फोल्डर लगाते हैं तो आपका फोल्डर 100% सही बैठेगा, सही लगेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप टेपिंग करके नहीं लगाते हैं तो फिर आप जानिए बात की बात है, लगा तो सब सकते हैं, ठीक। अब इसलिए हम लगाएंगे ग्लू। दोस्तों देखिए आप लोग, सबसे अच्छा ग्लू होता है ये ब्लैक वाला जो होता है, ये T700 जो है, ये जो देखिए ये T700, ये सबसे अच्छा ग्लू होता है, ब्लैक रंग का होता है, इसको आप लगाएंगे, सबसे अच्छा ग्लू होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कभी भी फोल्डर अगर निकालना पड़ गया तो आप आराम से मशीन पर रख करके, हीटर हीट करने वाली मशीन पर हीट करके आप इसको आराम से प्यार से निकाल लेंगे। और एक आता है वाइट वाला ग्लू, ठीक, उसको मत लगाया करिए, क्योंकि वो ग्लू सूख जाता है, सूखने के बाद तुरंत जम जाता है, ठीक, और वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। और ये क्या है, सूखने के बाद ये रबड़ के तरीके दबता रहता है, मतलब अगर आप इस पर कभी भी फोल्डर प्रेस भी होगा तो भी ख़राब नहीं होगा। ये ग्लू सबसे बेस्ट होता है, और वो जो वाइट वाला ग्लू होता है उसको मत लिया करिए कभी भी, वो ग्लू अच्छा नहीं होता है। सबसे बेस्ट ग्लू ये ब्लैक वाला होता है, T7000 मॉडल जो है, T7000, क्योंकि इसमें रबड़ टाइप का कुछ मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये सूखने के बाद भी प्रेस होता रहता है, दबेगा प्रेस होगा लेकिन ख़राब नहीं होगा, और पकड़ता भी अच्छे से है। सूखा हुआ ग्लू कहीं मत लगाइएगा, सूखा वाले ग्लू से आपको फोल्डर जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सूख जाता है, उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। आपका सामान अच्छा रहेगा, आप अच्छे से लगाएंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, आप ठीक से लगाएंगे नहीं, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा भाई, ठीक, कस्टमर देगा पैसा आपको और डैमेज होने के बाद कस्टमर नहीं आएगा। तो ये देखिए हम लगाने जा रहे हैं फोल्डर, ये फोल्डर हमारा इसमें लग गया, निकालिए बाबा, ये इसका हम चेक बैठा लेंगे, और ये लगी बैटरी। ये हमारा फोल्डर बैठ गया पूरा अच्छे से।
तो आप लोग देख रहे हैं पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से बैठ चुका है, बिल्कुल मस्त। सब बढ़िया काम कर रहा है। अब एक लास्ट काम बचा है, वो भी जल्दी से हम करके दिखाते हैं आपको, वो है इसको पैक करना। क्योंकि फोल्डर लगाने के बाद पैक करना बहुत ज़रूरी है जल्दी से फ़ोन को, वरना ग्लू सूख जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। आप देख रहे हैं पूरा अच्छे से ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम बैठ गया है, कहीं से भी उठा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी ना लाइट आ रही है ना कहीं से कुछ आ रहा है। बहुत से लोग लगाते हैं, लाइट आती रहती है साइड से, वो फिर ग्लू लगाएंगे, फिर भरेंगे, फिर उसको पैक करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से पूरा प्रॉपर फ्रेम को जो है उसका क्रोम बोलते हैं उसको, क्रोम फ्रेम दोनों बोलते हैं, साफ़ करके बैठाएंगे तो कुछ भी लाइट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश बैठ गया। अब इसलिए हम लास्ट में थोड़ा सा टेप लगा देते हैं, रबड़ आप लगा भी सकते हैं, हालांकि हम टेप लगाते हैं, ठीक। तो टेप लगा देंगे तो ये कहीं से भी उठने के इसके चांसेस नहीं रहेंगे। ये हमारा पूरा फोल्डर प्रॉपर लग चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा एक आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद टेप को निकाल देना है, बिल्कुल मस्त, ठीक। तो गाइस आप ऐसे ही लगा सकते हैं फोल्डर अपने से, बिल्कुल क्लीन करके साफ करके बिल्कुल अच्छे से।